हेलो गाइस, तो वीडियो शुरू होने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि मैंने जो भी चीज़ें वीडियो में इस्तेमाल की है वो मेरी नहीं है। वो इस सारी चीज़ों का क्रेडिट जाता है शो प्रो और ऑफिशियल पोकेमॉन कंपनी को। तो दोस्तों, वीडियो को एंजॉय करना मत भूलना। तो हमारे दोस्तों, वीडियो शुरू एपिसोड स्टार्ट होता है सरीना की मॉम के साथ। वो सब्जी काट रही रहती है और वो फ्लैचलिंग को बोलती है, क्या तुम मेरे लिए सरीना को उठा दोगी क्या, क्योंकि मैं उसे पहली एक बार उठा चुकी हूँ कि फिर वो नहीं उठती। तो फिर उसके बाद फ्लैचलिंग के कमरे में उसके मुँह पर चोंच मारती है, उसको उठा देती है। सरीना उसको बोलती है, क्यों मुझे ऐसे क्यों उठाना, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे ऐसे उठाया मत करो। फिर उसको सरीना अपने घर अपने इस कमरे का दरवा ये खिड़की खोलती है और बाहर की हवा टहकती है यानी। और फिर उसके बाद उसको मॉम का आवाज़ आता रहता है कि सरीना तुम्हें ट्रेनिंग करनी है आज की, नीचे आ जाओ। तो फिर सरीना चली जाती है और उसके बाद हमें ऐश का सीन दिखाया जाता है। ऐश प्लेन में बैठा होता है और उसकी उसके फ्रेंड एलिसा के साथ बात करता होता है। फिर दोस्तों वो और पिकाचू पहुंच जाते हैं कार्लोस रीजन में। दोस्तों फिर प्लेन लैंड हो जाता है, फिर ऐश प्लेन के बाहर आ जाता है और फिर बोलने लगता है, वाह वेलकम टू कार्लोस, कार्लोस तुम्हारा मेरे लिए स्वागत है। तो फिर वो पूछती है कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो, बोलती है मेरे मेरे लिए बहुत ही अच्छा चिल्लाना। और फिर ऐश नीचे गिर जाता है कुछ पोकीमोन को देख के। और दोस्तों उसके बाद हमारे सबसे फेवरेट टीम टीम रॉकेट का सीन दिखाया गया है। वो बोलती है कि हाँ, जैसे कि हर बार होता है हमारे पपलू टपलू का स्वागत। तो फिर एलेक्सा बोलती है, हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं। फिर आयश उससे पूछता है कि तुम्हारी बहन जिम लीडर है ना, बट वो बोलती है वो अभी इस सिटी में नहीं दूसरे सिटी में है। तो आयश बोलता है, ऐ दूसरे सिटी में? तो फिर बोलते हैं ठीक है, मैं फ़ोन लगा के पूछ लेती हूँ वो कब आएगी। तो गाइस फिर वो जाती है और फिर आयश को एक रहस्य में पोकेमॉन दिखता है, बट वो अब तक तो सबका पोकेमॉन को जान चुके, पर वो एक राज होगा। तो वो पोकेमॉन उसके ऊपर से चला जाता है और फिर ऐश लॉबी में चला जाता है, जो है वेटिंग लॉबी जो है एयरपोर्ट के अंदर। दोस्तों एयरपोर्ट फिर पिकाचू के साथ वो पूछता रहता है कि वो कौन सा पोकेमॉन था। पिकाचू बोलते हैं मेरे को नहीं पता। फिर वो एलेक्सा से मिलता है, फिर एलेक्सा बोलती है वो किसी ट्रिप पे गई हो, बाद में आएगी, तुम ल्यूमिनो सिटी के जिम को चैलेंज कर सकते हो। फिर ऐश वहाँ से बाय बोल के निकल जाता है ल्यूमिनो सिटी की तरफ और वो उस टावर को देख के पिकाचू को बोलता है, वाह पिकाचू। गाइस फिर वहाँ पे पिकाचू को बोलता है ऐश कि वाह देखो ये कितना बड़ा है। फिर उसके अंदर जाने के बाद ये अलग चीज़ सुनाई देती है कि तुम्हारे पास 4 जिम बैच नहीं है तो तुम इस जिम में एंटर नहीं कर सकते हो। फिर वो जिम वाला उसे एक बहुत बड़ा शॉक देता है और वहाँ से जिम से फेंक देता है एक टनल में से, और फिर वो टनल में से बाहर आ जाता है फेंका हुआ। फिर नीचे हमारे दो हीरोज को इंट्रोड्यूस किया जाता है। दूसरे थे क्लेमेंट और बॉनी। क्लेमेंट बोलता है मैं उस लड़के को पकड़ता हूँ और बॉनी बोलती है मैं उस पिकाचू को पकड़ लूँगी। फिर क्लेमेंट अपना साइंटिफिक दिमाग लगा के एक चीज़ बनाता है, उससे वो ऐश को बचा लेता है और बॉनी पिकाचू को पकड़ लेती है। फिर वो बोलता है थैंक्स यार तुम मुझे बचाने के लिए, हाँ मुझे बचाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फिर बॉनी और वो लोग दोस्त बन जाते हैं एक ही टाइम पे और बातें करने लग जाते हैं। और फिर ऐश एक फील्ड पे आके उससे पूछते हैं तुम्हारे पास कोई पोकेमोन है क्या। तो फिर क्लेमेंट बोलता है उससे कि हाँ मेरे पास अभी मैंने रिसेंट में एक पोकेमोन पकड़ा है, मैं तुम्हें वो दिखा सकता हूँ। फिर ऐश बोलते हैं चलो बैटल करें। फिर दोनों बैटल करने लग जाते हैं। जो क्लेमेंट पोकेमोन रहता है क्लेमेंट के पास, वो रहता है बनलबी। दोस्तों बनलबी और उसका फाइटिंग चालू रहता है, उसने में हमारे टीम रॉकेट आ जाती है। दोस्तों टीम रॉकेट फिर इसका वॉबा फेट का मिरर कोट इस्तेमाल करके पिकाचू का थंडर बोल्ट वापस भेजती है, बट उसके बीच में फ्रोकी आ जाता है, पर फ्रोकी पिकाचू को बचा लेता है। तो फिर ऐश बोलता है हाँ वेरी वेरी थैंक यू फ्रोकी, पर बाद में फ्रोकी नीचे गिर जाता है। था नहीं फिर ऐश बोलने लगता है यहाँ पे कोई पोकेमोन सेंटर है क्या पास में? तो बॉनी बोलती है पोकेमोन सेंटर से अच्छा हम प्रोफेसर सिकमोर के लैब में चले जाए। फिर ऐश उसे लेके भागा भागा पहुँच जाता है। और दोस्तों और क्या बोलूँ, यहाँ पे ही हमारा एपिसोड ख़त्म हो जाता है यानी 2 बी कंटिन्यूड आ जाता है। तो गाइस, तो मुझे लग रहा है कि तुम लोगों को ये एपिसोड पसंद यार, तो एक्शन में का एपिसोड निकालने की वजह तुम लोग ही थी, तो मैंने पूछा था तुम लोगों को तो इसलिए मैंने ये एपिसोड निकाला। और गाइस मेरे को एक पूछना है यार, बस बता रहा हूँ कि यार प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये मत पूछना यार कि फ़ोटोज़ की क्वालिटी बेकार थी भाई, क्योंकि मैं बोलूँ यार ये जो वीडियो भी मिला है ना यार, वो भी बहुत ही मुश्किल से मिला यार। मैं 2 दिन से इस वीडियो को ढूंढ रहा, मतलब पूरा एपिसोड यानी किधर भी नहीं था, डेड टून्स पे भी नहीं था, किस एनीमे पे भी नहीं था, किधर भी नहीं था यार, बट मुश्किल से मिला है। तो
इसलिए यार थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लो यार आज की वीडियो में। अगले वाले वीडियो में भाई कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत नहीं है। और स्टार्टिंग में मैंने डिस्क्लेमर इसलिए दिया है क्योंकि बाद में अगर जाके शो प्रो इस वीडियो को कॉपीराइट क्लेम ना दे, इसलिए लिए। अगर कोई कॉपीराइट क्लेम आता भी है तो भाई मेरे को पता है तुम लोग मुझे सपोर्ट करोगे, और मुझे ये भी पता है कि तुम लोग अभी सब्सक्राइब बटन को भी हिट करने वाले हो और उस बेल आइकन को भी हिट करने वाले हो यार। और लाइक तो भाई करो यार, तो लाइक का एम है 30 लाइक्स का, तो यार मेरे को लगता है तुम लोग कंप्लीट कर दोगे यार, सवाल नहीं उठता, तुम लोग कर ही देते हो हर बार की तरह। तो वैसे भी आज के वीडियो में बस इतना ही, अगर आगे क्या होने वाला है जानना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ यार। बस अब मैं जाता हूँ, टाटा बाय बाय।